भाई एक किचन के लाइट जला पास के पास चला तो इधर भाई अरे ये दो जरा ऊपर जाना वीडियो वाले ये बड़े तितू ना बाजू आटा प्लीज भाई भाई अरे मोबाइल भाई प्रथम बैक कैमरा भाई मैम भी आ गई है भाई ये गलत है यार हम शक्ति अरे मुझे दरवाजा बंद कर दो दरवाजा बंद करो डोर क्लोज डोर क्लोज डोर क्लोज हैप्पी बर्थडे सबको डिस्ट्रीब्यूट करो सबको दो उधर 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 तो मुझे नहीं है से थैंक यू सो मच एवरीबॉडी थैंक यू अरे बच्चे को थोड़ा साइड ले ना ये माथे का इनाम बच्चे रूपाली मैं गाइड कर जाओ थैंक यू सो मच राइट ना तुझा ले भाई माझा भाई पाली मैम मंस मो क्या बात है मैम लुक कर लुक कैमरा मैम यहाँ पर अच्छा ऊपर ऊपर मैडम इधर वर्ती वर्ती बालकनी चलो जनता जनता चलो नीचे आई प्रे मैम खड़ा कर दिया टेलीफोन रात पर ऊपर ले मैम आपको वाली मैम बिजी शेड्यूल होता है वो हमेशा से
वो निकाल कर फैमिली को देना वो कितना इम्पोर्टेंट होता है। कैमरा इधर है मैम, कैमरा इधर, कैमरा इधर है। अरे उल्टा खड़े पाले चलेगा चलेगा। हाँ हाँ क्या कहना चाहोगे? फैमिली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, काम चाहे कितना भी हो दुनिया में। आखिरकार जब आप आखिरी सांस लेते हो तब आपकी फैमिली आपके पास होती है, तब आपका काम नहीं होता। आप जरूरी है, बहुत जरूरी है एक फैमिली को कम्फर्ट देने के लिए, एक फैमिली को यू नो अपने आप को प्रूव करने के लिए काम बहुत जरूरी है। लेकिन फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और एक माँ के लिए बच्चे से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैम इट्स अ नाइन्थ बर्थडे, क्या सोचा है फ्यूचर प्लानिंग? कुछ तो आपने सोचा रहेगा। आजकल के बच्चे अपना फ्यूचर खुद सोचते हैं, हम लोग और माँ बाप का कौन सुनता है? यस यस यस, हमने मोर इंटेलिजेंट। आजकल के बच्चे अवेयर है, हमारी तरह नहीं कि कुछ पता ही नहीं था। मम्मी ने अगर रुकरेल कॉलेज में डाल दिया वहाँ ही जाना है तुमको तो वहीं जाएंगे, ऐसा नहीं था। आजकल के बच्चे वेरी अवेयर, उनको एग्जैक्टली पता है क्या है, और कितने सारे एवेन्यू स्कूल गए हैं, कितने सारे नए नए जॉब्स आ गए हैं, कितने सारे नए यू नो प्लेसमेंट्स एवरीथिंग। सो बच्चों को क्या, हम लोग क्या फ्यूचर प्लानिंग करेंगे? बहुत अच्छा एजुकेशन देने की प्लानिंग है और कुछ नहीं। आप जब छोटी थी तो आपकी बर्थडे सेलिब्रेट किस ढंग से होती थी, क्या है? मेरी बर्थडे बहुत बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होती थी। पापा के सारे आर्टिस्ट आते थे, बिग बर्थडे पार्टी। आई वाज 10 10 साल की थी तब तक बर्थडे सेलिब्रेट हुआ उसके बाद में। तो आर यू ऑल्सो थिंकिंग कि 10 साल तक के ही बर्थडे करना है उसके बाद में? एक्चुअली हाँ, एक्चुअली वैसे ही होना चाहिए। जब तक बच्चे बड़े हैं तब तक वो अपना डिसाइड है, बाद में तो फिर मम्मा गिव मी सम मनी, फ्रेंड्स को ट्रिप पे लेके जाना, यही होगा और क्या। बट जब तक मैं इंजॉय कर सकूँ, इम्पोर्टेंट है कि मैं उसका बर्थडे इंजॉय कर सकूँ। तो ये पार्टी उसके लिए नहीं है, मेरे लिए। आपने मतलब उसका बर्थडे एक्चुअली था 25 तारीख को, तो या इट वाज ऑन थर्सडे में मुझे छुट्टी मिली थी राइट में, एंड पूरा दिन मैं उसके साथ ही। उस दिन मैंने फ़ोन को हाथ नहीं लगाया, जैसे उसने अभी रिसेंटली कहा था स्टार्ट में मम्मा फ़ोन देखते, तो मैंने उस दिन फ़ोन को हाथ नहीं लगाया। एंड अच्छा लगा, एक डिटॉक्स जैसा हो गया, अभी भी मुझे नहीं पता मेरा फ़ोन का है। सो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी। एक अब सडनली ये क्या होता है ना कि आप मम्मी लोग बर्थडे पार्टी में जाते हैं और ऐसे फोटो लेने में बिजी, अरे फोटो लो, अरे मेरा बच्चा कूदा फोटो लो, मैं भी वैसे ही करती हूँ। तो उसमें आप एक्चुअली वो पल को एंजॉय करना भूल जाते हैं। तो आज मैंने अपना फ़ोन बाजू में रख लिया है, कोई फ़ोन वोन कुछ नहीं मेरे पास। रूपाली जी, शो की मैं बात करूँ, ये वीक सबसे क्रूशल था। आने वाले वीक में क्या होने वाला है? ये वीक हमने काफी कुछ देखा, अप्स एंड डाउन। बहुत पहले भी कह चुकी, राजन शाही को सीबीआई में होना चाहिए, मतलब उन्हें होना चाहिए सीरियसली। इट्स लाइक हमको ऐसा लगता है हम किसी बहुत ही बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी में काम कर रहे हैं। अगले एपिसोड के परे हमें कुछ नहीं पता होता। अनुज कुमार से बाहर है, अनुज कुमार से बाहर आ गया ऐसा वाला था। अच्छा अनुज का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा ऐसा। तो मतलब हमको कुछ नहीं पता होता है जब तक एपिसोड हाथ में नहीं आता, और सिर्फ अगले दो एपिसोड हाथ में आते। वेल यू नो नॉट जस्ट दिस ईयर, पिछले साल भी बहुत ही लकी रहे हैं अनुपमा के यू नो शो के हिसाब से। एंड वी ऑल नो हाउ मच यू नो आप कितनी सेंसिटिव है शो को लेकर, बहुत ज़्यादा। तो हाउ वॉज दिस ओवरऑल टू ईयर्स अनुपमा का, ये जो पूरा था कैसा रहा आपके लिए ये पूरा साल अनुपमा? मैं एक ही शब्द में कहूँगी, मतलब अनुपमा इज माय सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो राजन शाही की वजह से आज अनुपमा मेरी लाइफ में है, and it has given me a sense of ek self-worth, ek self-awareness, ek self-love, which is most important. आप कई बार ना अपने आप को पसंद करना, अपने आप से प्यार करना भूल जाते हैं। ये नहीं कह रहे कि किसी और से प्यार मत कीजिए, बहुत ज़रूरी है, फैमिली उनसे बहुत 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 प्यार कीजिए, लेकिन अपने आप से प्यार करना भूलिए मत। तो ये अनुपम has given me सेल्फ वैल्यू, सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, एंड इट हैज़ टॉट मी सो मच। तो ये दो साल मेरे लिए बहुत ज़्यादा ठीक है, प्रोफेशनली तो वो तो खैर आना जाना दुनियादारी है, लेकिन जहाँ तक मैं कहूँ तो रूपाली की जर्नी मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ये दो साल एक अवेयरनेस आई है कि यार यू नो लोगों से इतना प्यार मिल रहा है, तो मुझे उस लायक बनना है, उस प्यार को मुझे नहीं खोना है। चाहे यू नो अनुपमा की जर्नी है बहुत लंबी है, लेकिन भगवान ना करे कभी, एक तो कभी ना कभी भगवान करे अगले 10 साल तक
ऐसा ना सोचो, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है. राजेश आए के शो से कुछ भी कर, स्टोरी आगे बढ़नी चाहिए, अनुपमा चलना चाहिए, चाहे रूपाली रहे ना, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट. सो बस वो कभी लगता है कि बस वो प्यार कभी ना, तुम तो ऐसा लग रहा है आज प्यार मिल रहा है, वो एडिक्शन. थैंक यू सो मच, थैंक यू विशाल, थैंक यू विशाल. अरे छोड़ ना.